एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में, और इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिल्ली सल्तनत हमारे पूरे हिस्ट्री के पोर्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है। कितने सारे, पता नहीं कितने सारे सवाल इसमें से पूछे गए हैं हर साल और अभी भी पूछे जाएंगे, ठीक है। इनको मैं दो पार्ट में बना रहा हूँ, ठीक है, दिल्ली सल्तनत पार्ट वन और दिल्ली सल्तनत पार्ट टू, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं हम दिल्ली सल्तनत पार्ट वन की। देखिए, पूरी जो दिल्ली सल्तनत है, देखिए इसमें मुग़ल नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इसमें कौन आ रहे हैं? इसमें सिर्फ वो आ रहे हैं जिन्होंने पहली बार दिल्ली की जो डायनेस्टीज़ हैं उनको फाउंडेड किया था, ठीक है। और एक के बाद वो आए थे, और ये स्टार्ट कब हुआ? जब वो टर्किश इन्वेजन हुआ था, जो टर्किश लोग आए थे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये दिल्ली सल्तनत बनी थी, ठीक है। तो अब वही स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1206 से, ठीक है। तो आपको याद रखना कि स्टार्ट 1206 से हुई थी और 1526 तक जब लोधी डायनेस्टी थी तब तक दिल्ली सल्तनत हमारी पूरी मानी जाती है, ठीक है। अब इसमें जो मेन आपके हैं उनको नहीं मैं गिन रहा हूँ, ठीक है, जो मुगल कह रहा हूँ मैं मोदी आ गया मुँह में, ठीक है। तो स्टार्ट देखिए, अब इसको आप याद करने का तरीका कैसे, देखिए पूछ लिया जाता है कभी कभार कि नंबरिंग में कैसे याद रखें कि किसके बाद कैसे आया। तो आप इनको पहले अल्फ़ाबेट से याद कर सकते हैं, ठीक है। देखिए SKT, ठीक है, और SL, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि SKT SL। अब देखिए, बस आपको एक चीज़ याद रखेंगे, सबसे पहले स्लेव आए थे, ठीक है, सबसे पहले स्लेव आए थे, ये आपको याद रखना है बस। उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, एस से स्लेव, के से खिलजी, टी से तुगलक, एस से होते हैं आपके सैयद, और एल से हो गए लोधी, ठीक है। देखिए SKT SL, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि SKT SL। तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखिए, आप नंबरिंग याद कर लीजिए, क्योंकि नंबरिंग पूछ ली जाती है, कौन किसके बाद आया था, स्लेव के बाद कौन आया था, खिलजी के बाद कौन आया था, तुगलक के बाद कौन आया था, सैयद के बाद कौन आया था, या फिर तुगलक से पहले कौन आया था, ये सब पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आप इनका नाम याद कर लीजिए, SKT SL, पहले एस में आता है स्लेव और दूसरे एस में आता है सैयद, ठीक है। तो अब हम देखिए बात करते हैं स्लेव डायनेस्टी के बारे में। देखिए, स्लेव डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो 1206 से लेकर 1290 है, लगभग आपके 84 साल चली थी, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी वाज ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, इलबरी डायनेस्टी, ठीक है, क्या है, इलबरी डायनेस्टी या फिर यामनी डायनेस्टी, ठीक है, या फिर ममलूक डायनेस्टी। देखिए, वैसे नेम ये सबसे पॉपुलर स्लेव डायनेस्टी है, पर इसको इलबरी डायनेस्टी, ठीक है, या फिर कहें यामनी डायनेस्टी या फिर ममलूक डायनेस्टी के नाम से जानी जाती है। कुतुबीन ऐबक, ठीक है, कुतुबीन ऐबक ऑफ मोहम्मद गौरी, ठीक है, वाज़ स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी जो था आपका, ठीक है, उसके स्लेव थे कुतुबीन ऐबक, ठीक है, जिन्होंने स्लेव डायनेस्टी की नींव रखी थी। तो अब ये पूछ लिया जाएगा, कुतुबीन जो ऐबक थे वो किसके स्लेव थे? मोहम्मद गौरी के स्लेव थे, ठीक है, जिन्होंने स्लेव डायनेस्टी की नींव रखी थी 1206 में। ऐबक वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया। देखिए, अब पूछ लिया जाता है कि पहला मुस्लिम रूलर कौन था, तो जो कुतुबीन ऐबक थे ना, वो पहले मुस्लिम रूलर थे इंडिया के, ठीक है। द कैपिटल ऑफ कुतुबीन ऐबक वाज एट लाहौर, और देखिए जो उनकी राजधानी थी कुतुबीन ऐबक की, वो लाहौर में मानी जाती थी, ठीक है, मतलब लाहौर में उन्होंने रखी थी। ही वाज नोन एज लक्स बक्स, ठीक है, देखिए लक्स बक्स के उनको नाम से जाना जाता था, या फिर गिवर ऑफ लैक्स, ठीक है, मतलब लाखों देने वाले, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा दयालु थे, इसलिए नाम को उनका गिवर ऑफ लैक्स कह दिया, गिवर ऑफ फेवर्स कर दिया। तो उनका लक्स बक्स या फिर गिवर ऑफ लैक्स या फिर गिवर ऑफ फेवर्स, ठीक है। उसके बाद करें, हसन निज़ामी वाज ए फेमस हिस्टोरियन इन द कोर्ट ऑफ ऐबक। देखिए, अभी पूछी जाएगी कि हसन निज़ामी किसके कोर्ट में थे, तो कुतुबीन ऐबक के कोर्ट में थे। वो कौन थे? वो हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे। कुतुबीन ऐबक स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। देखिए, कुतुबीन ऐबक ने कुतुब मीनार को बनवाना स्टार्ट किया था 1199 में, ठीक है, इन दिल्ली, ठीक है, मेमोरी ऑफ द सूफी संत ख्वाजा कुतुब। देखिए, अभी आपको याद रखना है कि कुतुबुद्दीन जो ऐबक थे, उन्होंने अपने नाम पे कुतुब मीनार को नहीं बनवाया, एक जो सूफी संत हुए हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, इतना लंबा नाम है आपका, आप सिर्फ ख्वाजा काकी या बख्तियार काकी के नाम से याद रखिए। तो उनके नाम पे कुतुब मीनार बनना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इट्स कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड बाय इल्तमिस, ठीक है। फाइव स्टोरी बिल्डिंग है, मतलब पांच मंजिल हैं इस पूरे आपके
कुतुब मीनार में, और ये किसने कंप्लीट करवाया था? इल्तमिश में। अब देखिए क्वेश्चन बनता है कि किसने स्टार्ट करवाया? कुतुब मीनार ऐबक ने, और किसने कंप्लीट करवाया? इल्तमिश ने। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, दोनों में डिफरेंस है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना तो स्टार्ट किया था पर इल्तमिश ने पूरा करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में वो नहीं बन के कंप्लीट हो पाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड इन 1200, ठीक है, 1210, जब उन्होंने 1206 में नींव रखी उसके 4 साल बाद ही वे मर गए, जब वो घोड़े की पीठ से गिर के मर गए थे। अब देखिए ये क्वेश्चन इस बार आया था पिछली बार सीजीएल में कि कौन सा ऐसा दिल्ली सल्तनत का राजा था जो पोलो खेलते वक्त मरा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना कि जो पहले राजा थे कुतुबुद्दीन ऐबक, वो पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिर के मर गए थे। पोलो गेम आपको पता होगा जिसमें बॉल होती है और उसको मारा जाता है एक छेद से निकालने के लिए, तो उस खेल को खेलते वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक मर गए थे। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक आरम शाह असेंडेड द थ्रोन बट ही वॉज डिपोज्ड बाय द इल्तमिश एंड क्रोन्ड हिमसेल्फ द सुल्तान। देखिए अब ये कह रहा है कि जब उनकी मौत हुई तो आरम शाह ने जो ताज था उसको अपने अंडर कर लिया था, पर उसके बाद क्या होता है इल्तमिश आते हैं और उन्होंने उनको हटा दिया रास्ते से। ठीक है, और उसके बाद वो 1210 से लेके 1236 लगभग 26 साल तक वो सुल्तान बन के रहे थे। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इल्तमिश चंगेजी खान द मंगोल कॉन्करर अटैक्ट इंडिया। देखिए चंगेज खान आपको नाम पता होगा, बहुत फेमस नाम है, तो उन्होंने ही 1210 से लेके 1236 के बीच में हमला किया था, किसके ऊपर? इंडिया के ऊपर। ओके, इल्तमिश इज कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। देखिए इल्तमिश को रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल बनता है आपके हमारे मन में कि दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। पर अगर ये आ जाए कि रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है, तो हम कहेंगे इल्तमिश। ठीक है, इल्तमिश वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू गेट रिकॉग्निशन ऑफ द खलीफ ऑफ बगदाद। देखिए खलीफ ऑफ बगदाद क्या है? एक पोस्ट होती है जो बगदादों में राजाओं को दी जाती है, उन्हें जिन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो वो पहले ऐसे राजा थे जिनको खलीफ ऑफ बगदाद कहा गया है। ठीक है, सुल्तान थे वो दिल्ली के। इल्तमिश वाज आल्सो द फर्स्ट सुल्तान टू मेक दिल्ली हिज कैपिटल, और ऐसे पहले सुल्तान थे जिन्होंने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया। अब देखिए दिल्ली सल्तनत क्यों कहा गया? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक राजा तो था पर उसकी राजधानी लाहौर थी, ठीक है, दिल्ली नहीं थी। दिल्ली राजधानी किसने बनाई? दिल्ली राजधानी बनाई हमारे इल्तमिश साहब ने। ठीक है, तो इसलिए उनको रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। ही इशूड ए प्योरली अरेबिक कॉइनेज ऑफ सिल्वर एंड वॉज द फर्स्ट टू डू सो। देखिए पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने अरेबिक में सिल्वर के चांदी के सिक्के निकाले थे। ठीक है, पहले ऐसे राजा थे। कॉइन्स इंट्रोड्यूस बाय इल्तमिश सिल्वर थंका एंड कॉपर जिताल। देखिए सिल्वर का जो कॉइन होता था उसे थंका कहते थे और कॉपर का जो होता था उसे जिताल कहते थे, जो बेसिक कॉइन हुआ करते थे सल्तनत टाइम में। ही ऑर्गेनाइज द चालीसा और द फेमस टर्किश 40 टू हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने एक चालीसा ऑर्गेनाइज की थी, या तो कहते थे टर्किश 40, द एक जो फेमस टर्किश फोर्ट होता है उसको बनाया था। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हेल्प करे, लोगों की मतलब हेल्प करने के लिए। इल्तमिश कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। ठीक है, ये आपको बताया दिया मैंने पहले ही कि कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाई थी। द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द सल्तनत, एकता सिस्टम। देखिए अब ये पूछ लिया जाता है कि एकता सिस्टम कौन किसने लाया था, तो जो एकता सिस्टम था, जो रेवेन्यू सिस्टम था, लोगों से कर लिया जाता था, वो किसने चालू किया था? वो इल्तमिश ने चालू किया था। ठीक है, इल्तमिश वाज सक्सीडेड बाय हिज सन रुकनुद्दीन फिरोज शाह बट ही वाज लेटर एग्जीक्यूटेड एंड रजिया बिकम द सुल्तान द डॉटर ऑफ इल्तमिश। देखिए पहले अब पूछा जाए कि इल्तमिश के बाद राजा कौन बने। ठीक है, तो पूछा जाएगा रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, पर उसके बाद उन्होंने क्या करा, उनको हटाकर उनकी बहन या फिर इल्तमिश की जो बेटी है, ठीक है, रजिया सुल्तान, वो राजा बन गई। ठीक है, तो वो पहली ऐसी महिला सुल्तान थी और इकलौती महिला सुल्तान थी, पहली और आखिरी महिला सुल्तान थी वो। ठीक है, सुल्तान रजिया या रजिया सुल्तान ओनली वुमेन रूलर ऑफ द सल्तनत केम टू पावर इन 1236 एंड रैन टिल द, लगभग 4 साल तक रही। ठीक है, मतलब ये 4 साल तक राजा रहीं, रानी रहीं, 1236 से लेकर 1240 तक इन्होंने राज किया, सुल्तानी रहीं। सुल्ताना रजिया रिजेक्टेड द पर्दा। देखिए उन्होंने पर्दा का जो एक वो होता था कि बुरखा पहनने वाला की पर्दा करना है, उसको रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, और ये मर्दाना कपड़े पहनती थी। ठीक है, तो उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी कि पर्दा को रिजेक्ट करना और मर्दाना कपड़े पहनना। इन अक्टूबर 14, 1240 बोथ रजिया एंड अल्तुनिया हु अर्ली रेज्ड आर्म्स अगेंस्ट द रजिया बट लेटर जॉइंड। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक मुझे दिख रही है। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि बोथ रजिया एंड
अल्तुनिया हु अर्लियर हैड आर्म्स अगेंस्ट द रजिया बट लेटर जॉइंड विद हर। अब रजिया नहीं रजिया के खिलाफ, तो ये नोट्स देखिए बिल्कुल सही नहीं होते हैं जहाँ से मैंने लिए हैं, जो सोर्स इकट्ठा किया है वहाँ भी थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम जोड़ देते हैं। अब इम्पोर्टेंट देखिए, अब सिर्फ ये पड़ता है इसके बाद जितने भी हमारे किंगडम्स हुए, मतलब जो भी किंग आए हमारे इसके बाद, किसमें इस जो हमारी जो चल रही थी हमारी जो डायनेस्टी, इसमें जितनी भी डायनेस्टी के बाद जो किंग आए रजिया सुल्तान के बाद, ठीक है, इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान आई, उसके बाद देखिए आपके बहरैन शाह थे, ठीक है, रजिया के बाद अलाउद्दीन मसूबा थे, ठीक है, नज़रुद्दीन मोहम्मद थे। तो ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इनके बारे में इतना नहीं पूछा जाता। अब पूछा क्या जाता है कि जो एल्बन डायनेस्टी थी, ठीक है, उसको किसने रखा, तो उसके फाउंडर कौन थे, बलबन, ठीक है। बलबन ने एल्बन डायनेस्टी, या कहें तो इनका पूरा नाम क्या था, गयासुद्दीन बलबन, ठीक है, इन्होंने 1266 में 1266 में एडी में इन्होंने किसकी डायनेस्टी की नींव रखी, एल्बन डायनेस्टी, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये कितने साल रहे, लगभग 20 साल तक ये राजा रहे थे, ठीक है। बलबन इज कंसीडर एट द फाउंडर ऑफ द सेकंड, ठीक है, सेकंड एल्बरी डायनेस्टी। देखिए अब आपको ये क्या कह रहा है, सेकंड एल्बरी डायनेस्टी, ठीक है। तो पहली आपको बताई थी मैंने ऊपर, ये सेकंड एल्बरी डायनेस्टी थी जो बलबन ने आके रखी थी, जिनको शैडो ऑफ गॉड कहा जाता था, ठीक है। वो अपने आपको शैडो ऑफ गॉड कहने की जिल्ले इलाही, ठीक है, एक नाम था जिल्ले इलाही, जिनको क्या कहते थे, शैडो ऑफ गॉड, लोगों से ये फोर्सली वो ये कहलवाते थे कि मैं शैडो ऑफ गॉड हूँ, जो अपने आप को समझते थे, ठीक है। जैसे आप जहाँ से आए थे नॉर्मली, वहाँ पर क्या था, जिल्ले इलाही वर्ड का यूज़ किया जाता था, शैडो ऑफ गॉड मतलब भगवान की एक प्रतिरूप, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि पहली बार जिल्ले इलाही किसने अपने आप को कहलवाया था, बलबन को। उसके बाद ये चलता रहा जिल्ले इलाही, तो ये तो अकबर के टाइम पे भी कहा जाता था, ठीक है। देखिए 40 और 40 स्टेबल्ड बाय इल्तुतमिश वाज एबोलिश्ड बाय बलबन। देखिए अब जो 40 और जो 40 जो बनाई थी इल्तुतमिश ने, वो ख़त्म कर दी किसने, बलबन ने, ठीक है। ये आपको याद रखना है, हिज पॉलिसीज आर कंसिडर टू बी ड्रैकोनियन, ठीक। ड्रैकोनियन का क्या मतलब है, ड्रैकोनियन क्या करता है, देखिए ड्रैकुला क्या करता है, ड्रैकुला था खून चूसने वाला। तो आप एक कह सकते हैं कि जो उसकी जो पॉलिसीज थी बलबन की, वो बहुत ही निर्दयी थी, या मतलब एकदम लोगों को परेशान करने वाली, खून चूसने वाली, ठीक है। ही स्टार्टेड द ईरानियन सिस्टम ऑफ द सजदा एंटिक एंड प्याबोस। अब देखिए सजदा क्या होता है, आपने देखा होगा सजदा हम करते हैं किसी को झुक के, तो वो हमारा जो सजदा और जो प्याबोस था वो स्टार्ट किसने किया, बलबन ने। ही वॉज अ पैट्रॉन ऑफ मैन ऑफ लेटर्स एंड शोड स्पेशल फेवर टू द पोइट अमीर खुसरो। देखिए जो अमीर खुसरो थे उनको अलग ही स्पेशल फेवर ये देते थे, मतलब उनको बहुत मानते थे। आफ्टर बलबन डेथ इन 1286, ठीक है, जब 20 साल बाद उनकी जब डेथ हुई बलबन की, तो कायोबाद, ठीक है, जो कायोबाद था जो थे 1887 में, ठीक है, ये एक बीच में एक साल का डिफरेंस हो गया, तो वो सुल्तान बने सिर्फ 3 साल के लिए, ठीक है, कायोबाद वो बने। उसके बाद देखिए माधवाचार द दविता फिलोसफी गॉट हेल्प फ्रॉम बलबन, ठीक है। अब देखिए जो माधवाचार्य थे, ठीक है, द्वैता फिलॉसफी की आप कह सकते हैं उनकी कोई भी रचना होगी, बलबन की तरफ से उनको हेल्प मिली थी, ठीक है। बलबन टॉम इज सिचुएटेड इन दिल्ली, इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय बलबन हिमसेल्फ। देखिए बलबन का जो मकबरा है, ठीक है, उसने अपनी मौत वहाँ पर अपने आप को दफनाने के लिए खुद बनवाया था। बलबन का मकबरा आप ये पूछा सकते हैं किसने मरवाया, तो अब देखिए लोग सोचेंगे कि यार मकबरा है मतलब वो मर चुका होगा, किसने बनवाया होगा, उसके बाद जो आएगा उसने बनवाया होगा, तो कायकुबाद ने बनवाया होगा या किसी और ने बनवाया होगा, तो ऐसा नहीं है, उसने खुद बनवाया था, ठीक है। कायकुबाद वाज द लास्ट स्लेव सुल्तान, तो ये देखिए लास्ट स्लेव सुल्तान थे, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कायकुबाद जो लास्ट स्लेव सुल्तान थे, कायकुमार्स हु रूल्ड फॉर अ टर्म ऑफ 3 months वाज एक्चुअली द लास्ट स्लेव सुल्तान, ही वाज किल्ड बाय जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, एंड फाउंडेड द खिलजी डायनेस्टी। देखिए कायबुद्दीन जो बाद थे उनके बाद कायमार्स, ठीक है, वो भी आए थे, पर वो सिर्फ 3 महीने के लिए आए और उनको मार दिया किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने, और उसके बाद खिलजी डायनेस्टी की नींव रखी थी। तो अब उनको नहीं मानते, एक्चुअली कौन थे, कायकुबाद, जो 3 महीने के लिए उनको हम किंग नहीं मानते, सुल्तान नहीं मानते, ठीक है। एग्जाम में आपको कायकुबाद ही लिखना है, कायमार्स नहीं लिखना। देखिए खिलजी डायनेस्टी लगभग कितनी चली आपकी, तो देखिए 1200 आपकी ये लगभग कितनी चली,
30 साल मान लीजिए कि लगभग 30 साल इनकी चली, 1290 से लेकर 1320 के आसपास। खिलजी डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय मलिक फिरोज, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी किसने रखी? मलिक फिरोज ने, ठीक है, 1290 में। एंड एज्यूम द टाइटल जलालुद्दीन खिलजी। देखिए उनका अब पूछ लिया जाएगा कि जलालुद्दीन खिलजी का रियल नेम क्या था, वो था मलिक फिरोज, ठीक है। मलिक फिरोज का जो रियल नेम था वो जलालुद्दीन खिलजी का रियल नेम मलिक फिरोज था। और 1290 में इन्होंने जब अपना एक राज्य बना लिया, एक डायनेस्टी रख दी, उसके बाद उनका नाम जलालुद्दीन खिलजी रखा गया, ठीक है। और 1292 में द मंगोल्स अंडर अब्दुल्ला एक्सेप्टेड डिफीट फ्रॉम जलालुद्दीन खिलजी। देखिए जो मंगोल्स थे उन्होंने अपनी हार मान ली थी जलालुद्दीन खिलजी से 1292 में, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी द नेफ्यू ऑफ जलालुद्दीन खिलजी किल्ड हिम, ठीक है, आफ्टर हिज विक्ट्री ऑन देवागिरी। देखिए जो अलाउद्दीन खिलजी थे, ठीक है, जो एक तरह से नेफ्यू थे, भतीजे थे जलालुद्दीन खिलजी के, उन्होंने उनको मार दिया कब, जब उन्होंने जीत पाली थी देवगिरी पे, ठीक है, 1296 में। अलाउद्दीन खिलजी अर्ली नेम वाज अली गुरुसब, देखिए अली गुरुसब उनका नाम था उनका, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का, बाद में वो अलाउद्दीन खिलजी बन गए। ही बिकम द सुल्तान इन 1296, 1296 में वो राजा बने और 1316 तक वो लगभग राजा बन के रहे थे, ठीक है। इन 1303 अलाउद्दीन खिलजी अटैक चित्तौड़। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1303 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि उन्होंने आक्रमण किस पर किया था, चित्तौड़ पर, द कैपिटल ऑफ मेवाड़, ठीक है। देखिए मेवाड़ की कैपिटल थी चित्तौड़, टू मैरी पद्मिनी द वाइफ ऑफ चित्तौड़ किंग रतन सिंह, ठीक है। किस लिए किया था, उन्हें रतन सिंह की जो बीवी थी पद्मिनी उससे शादी करनी थी अलाउद्दीन खिलजी को, इसलिए उन्होंने चित्तौड़ पे आक्रमण किया था। बट पद्मिनी एंड अदर राजपूत वुमेन कमिटेड जोहार। देखिए अभी आपने देखा होगा कई जगह दिखाया गया है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था चित्तौड़ पे, तो कई सारी लोगों वाइफ्स जो थी राजपूतों की, उन्होंने क्या करा था, अपने आप को सुसाइड कर लिया था, मास सुसाइड किया था, आग में कूद गई थी, ठीक है, तो उसे जोहार कहा गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कमिटेड बाय राजपूत वुमेन, ये आपको बता दिया, एस्केप फ्रॉम बीइंग पॉल्यूटेड बाय अदर्स, ठीक है। देखिए पॉल्यूटेड बाय अदर्स का मतलब है कि वह सिर्फ अपने पति के साथ रिश्ता बना सकती थी, किसी और के साथ नहीं बना सकती थी, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। पद्मावत इज ए हिस्टोरिकल काव्य अबाउट द पद्मिनी एपिसोड। देखिए अभी पूछ लिया जाएगा कि जब आक्रमण किया और उसके बाद जब उन्होंने सुसाइड किया, तो उसके ऊपर एक काव्य बनाया, हिस्टोरिकल काव्य बनाया, उसका नाम क्या था, उसका नाम था पद्मावत, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो पद्मिनी के ऊपर था, ठीक है। और वो किसने लिखा, वो लिखा था मलिक मोहम्मद जयासी ने, ठीक है, मलिक मोहम्मद जयासी। मलिक मोहम्मद जयासी वाज द कोर्ट पोएट ऑफ शेरशाह सूरी। और वो कौन थे मलिक मोहम्मद जयासी, वो कवि थे किसके कोर्ट में, शेरशाह सूरी के कोर्ट में, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर एट द अटैक साउथ इंडिया, ठीक है, अटैक साउथ इंडिया। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी पहले ऐसे मुस्लिम रूलर थे जिन्होंने साउथ इंडिया पे हमला किया, दक्षिण भारत पे हमला किया। मलिक कफूर वाज अलाउद्दीन खिलजीज कमांडर हु अटैक्ड साउथ इंडिया। तो मलिक कफूर मैं आपको बता दूं, नॉर्मली ना वो मेल थे ना फीमेल थे, वो यूनिक जेंडर से आते थे, ठीक है। अब उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी कहने पर क्यों आक्रमण किया था, क्योंकि देखिए वहाँ पर क्या है, जब साउथ में जाने में बहुत सारी नदियाँ पड़ती हैं बीच में, ठीक है, उन नदियों को पार करना बहुत मुश्किल होता है। और मलिक कफूर जब वो आक्रमण कर रहे थे अलाउद्दीन खिलजी, तब उन्हें रास्ते में मलिक कफूर मिले थे और वो बहुत एक्सपर्ट थे इन जो हमारे डिस्ट्रक्शन आ रहे थे बीच में उनको पार करने के लिए, ठीक है, इसलिए मलिक कफूर को कमांडर बनाया गया, ठीक है, साउथ इंडिया के अटैक के लिए। उसके बाद देखिए अलाउद्दीन खिलजी वाज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। अलाउद्दीन खिलजी सबसे फेमस रूलर थे खिलजी डायनेस्टी के। अलाउद्दीन वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु बैन्ड द यूज ऑफ लिकर। देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से सुल्तान ने बैन कर दी थी लिकर को, तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो सुल्तान थे दिल्ली के जिन्होंने शराब को बैन कर दिया था। अलाउद्दीन हैड अ ड्रीम ऑफ वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट सो ही अज्यूम द सिकंदर सानी। अब देखिए इनको सेकंड अलेक्जेंडर या फिर सिकंदर सानी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका सपना था पूरी दुनिया पर राज करने का, ठीक है, जो अलेक्जेंडर या सिकंदर का भी सपना था, ठीक है, या कहें तो अलेक्जेंडर का भी सपना था, इसलिए उन्हें सिकंदर सानी या फिर सेकंड अलेक्जेंडर कहते हैं, ठीक है। दैट इज ए बैक्टेरियन रूलर इस नोन एज सेकंड अलेक्जेंडर। देखिए अगर इंडिया की बात करें तो अलाउद्दीन, अगर इंडिया में नहीं तो दिमित्रिस की हम बात करते हैं, जो बैक्टेरियन रूलर थे उनको सेकंड अलेक्जेंडर कहा जाता है। अब देखिए कभी पूछे आपसे कि सेकंड अलेक्जेंडर कौन है, तो दिमित्रिस की हम बात करेंगे, ठीक है। सिकंदर सानी की हम बात करेंगे, तो सिकंदर सानी आपके अलाउद्दीन हो गए, ठीक है।
ठीक है। तो सिकंदर सानी, अलाउद्दीन और सेकंड अलेक्जेंडर डिमेट्रियस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अलाउद्दीन एबोलिज, ठीक है, जामीनदारी सिस्टम, देखिए जमींदारी सिस्टम जो था आपका, जामीनदारी सिस्टम उसको ख़त्म कर दिया था अलाउद्दीन ने, और जो टैक्स था वो डायरेक्ट वो लेने लग गए थे, इम्पोज टैक्स ऑन कैटल, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली टू इंट्रोड्यूस द मेजरमेंट ऑफ द लैंड फॉर टैक्स असेसमेंट। देखिए जो जमीन का नाप तोल होता था ये पहली बार भी इन्हीं ने स्टार्ट किया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। हिज मार्केट रेगुलेशन वर टू गेट गुड्स एट कंट्रोल्ड प्राइस, ठीक है, टू द पीपल ऑफ दिल्ली। और देखिए जो मार्केट रेगुलेशन था, जो गुड्स के ऊपर कंट्रोल था, वो सब भी किसने कंट्रोल किया, हमारे अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। देखिए अलाउद्दीन खिलजी पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने रिलीजन, धर्म को पॉलिटिक्स, राजनीति से अलग कर दिया, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट प्रो क्लेम आई एम द खलीफा। देखिए आई एम खलीफा, खलीफा भी एक, जैसे मैंने आपको बताया था, खलीफा भी एक ऐसी एक पोस्ट है जिसमें लोग अपने आप को भगवान मानते हैं, मतलब हमें उनके सामने जाना था, हमें झुक के ही जाना है, ठीक है। तो वो उन्होंने पहली बार अपने को कहा था कि मैं भी खलीफा हूँ, ठीक है। अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अलाई दरवाजा, देखिए अलाई दरवाजा उन्होंने बनवाया था, द गेट वे ऑफ कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का जो दरवाजा है वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। He built the city of Siri, the second of the seven cities of Delhi near Qutub Minar. देखिए जो सिटी थी एक सीरी, वो भी उन्होंने बनवाई थी जो कुतुब मीनार के पास है, ठीक है, जिसको सेवन सिटीज ऑफ दिल्ली में से एक कहा जाता है। द फर्स्ट मैरिज बिटवीन मुस्लिम रूलर एंड हिंदू प्रिंसेस वॉज बिटवीन अलाउद्दीन एंड कमला देवी। तो पहली जो शादी हुई थी किसी मुस्लिम और हिंदू रानी के बीच या राजकुमार के बीच, वो अलाउद्दीन खिलजी की कमला देवी से हुई थी, द विडो ऑफ द रूलर ऑफ गुजरात, जो विधवा थी गुजरात के राजा की। अलाउद्दीन खिलजी वॉज किल्ड बाय द कमांडर मलिक कफूर बाय पॉइजनिंग। देखिए अलाउद्दीन को, खिलजी को भी किसने मारा था, मलिक कफूर ने, जो उनके कमांडर थे, मैंने आपको बताया जब साउथ अटैक किया होता। अमीर खुसरो वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। देखिए अमीर खुसरो का बहुत बड़ा स्थान था अलाउद्दीन खिलजी के राज में, और अमीर खुसरो के लौते ऐसे राजा थे जिन्होंने आठ राजाओं का मतलब आते जाते देखा, ठीक है, उन्होंने बहुत राजाओं को आते जाते हुए देखा, ठीक है। अमीर खुसरो इज नोन एज द पैरट ऑफ इंडिया, ठीक है, उन्हें पैरट ऑफ इंडिया भी कहते थे। ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ उर्दू लैंग्वेज एंड द इन्वेंटर ऑफ सितार। देखिए उन्हें इन्वेंटर, सितार का इन्वेंटर भी कहते थे, खोज की थी, प्लस उर्दू लैंग्वेज का भी फादर कहा जाता है। लैला मजनू एंड तुगलक नामा, ठीक है, देखिए अमीर खुसरो की कहानी है लैला मजनू और तुगलक नामा, ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी वाज़ द फर्स्ट सुल्तान टू मेंटेन अ परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी। अब देखिए पहले क्या होता था कि जो राजा हुआ करते थे दिल्ली सल्तनत के, वो क्या करते थे, दूसरे राज्यों पर कब्जा कर लेते थे, और उसके बाद क्या करते थे, वो उनसे बोलते थे कि यार तुम अपनी कुछ आर्मी का हिस्सा हमारे लिए रखो, जब हमें जरूरत पड़ेगी हम बुला लेंगे। पर अलाउद्दीन खिलजी पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने खुद की एक आर्मी दिल्ली में ही इस्टेब्लिश करवा दी, मतलब हर वक्त 24 घंटे दिल्ली की पहरेदारी वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ पोस्टल सिस्टम इन मेडिवल इंडिया। देखिए जो पोस्टल सिस्टम था, डाक सिस्टम था, वो भी मेडिवल इंडिया में अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया। मुबारक शाह खिलजी वाज द लास्ट रूलर ऑफ खिलजी यूनिवर्सिटी। देखिए उनके बाद कौन है, मुबारक शाह खिलजी, जो लास्ट राजा थे हमारे, लास्ट सुल्तान थे खिलजी डायनेस्टी के। खिलजी डायनेस्टी केम टू एन एंड व्हेन द मुबारक शाह खिलजी वाज किल्ड बाय खुसराव खान। ठीक है, देखिए खुसराव खान के द्वारा वो मार दिए गए, ठीक है, आपके मुबारक शाह खिलजी, और उसके बाद खिलजी डायनेस्टी का अंत हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारी ये पूरी एक पार्ट वन हमारा ख़त्म होता है। ठीक है, खिलजी डायनेस्टी तक मैंने आपको बता दिया, उसके आगे मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगा। ठीक है, देखिए अब मैं क्या था आपका SKTL, ठीक है, आप कौन सा आएगा, SKTSL, S बता दिया मैंने आपको, K बता दिया मैंने, अब आएगा T, मतलब तुगलक, ठीक है, सैयद और लोधी, ठीक है, ये बसते हैं। तो ये हम देखेंगे पार्ट टू में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।